महीने में दो बार अल हसन फाउंडेशन, इफ्तिखार मेमोरियल ट्रस्ट और ठारा वेलफेयर ट्रस्ट के तामन से डिडियाल में बाकायदा आई कैंप लगवाया जाता है। LRBT की तरफ से बाकायदा डॉक्टरों की टीम आती है, मुआयना करने के बाद जिन जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए रेफर किया जाता है उन मरीजों को ठारा वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस बाकायदा सहूलत मुहैया करती है और मंदरा ऑपरेशन के अस्पताल तक ले जाती है। ऑपरेशन के बाद हर एक मरीज को अपने अपने घर में वापस छोड़ा जाता है। कुछ मरीजों को बुनियादी तबी सहूलत देकर फारग किया जाता है और जिन्हें आँखों के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रेफर कर देते हैं। आँखों का ये कैंप याद रहे महीने में दो बार डिडियाल में लगाया जाता है। यहाँ भी हर सहूलत मरीज को दी जा रही है, उसको इलाज के लिए, दवाई के लिए, चेकिंग, हर चीज़ फ्री सर्विस है और बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। हमने इसकी बहुत तारीफ की है। जो डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर नजीब मुतमीन है, बहुत अच्छा स्टाफ आया, ये मुंद्रा अस्पताल से है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर। मैं अच्छा सर, ज़रा तफसील से मेरे सुनने वाले जो लोग हैं, अपना जो सुनने वाले लोग हैं उनको ज़रा बताएँगे आप कि इस वक्त तक कितने लोग, अभी मैंने क्योंकि खुद देखा था कि 42 के लगभग लोग जो हैं उनको अभी तक चेक कर लिया गया और अच्छा खासा रश है यहाँ पे। इस वक्त हमारे पास जैसा आप देख रहे हैं टीम बैठी हुई है, पेशेंट बैठे हुए हैं, चेकअप हो रहा है। टीका जी, तो आप बता रहे थे कि ठारा वेलफेयर की तामन से आप जितने यहाँ से ऑपरेशन के लिए रेफर किया जाता है तो वो ठारा वेलफेयर की तरफ से उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विस दी जाती है। बिल्कुल, ठारा वेलफेयर की तरफ से फ्री एम्बुलेंस सुबह यहाँ से 5 बजे यहाँ से पूरे शहरी के डॉक्टर और फिर ऑपरेशन के बाद भी कर अच्छा ये कब स्टार्ट हुआ और ये कब तक रहेगा या ये इसके बाद खत्म हो जाएगा, ये आपका प्रोग्राम है ये तो आदत से जारी रहेगा? ये हर महीने में दो मरतबा जारी से रहेगा, ये बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। हर महीने में दो मरतबा यानी तीसरी चुना और चौथी चुना, वो डेढ़ की जो भी आ रहे तीसरी चुना हर महीने की जो दूसरी जुमरात हुआ करेगी जुमरात उसको दोबारा हुआ करेगा और उसके बाद जो चौथी यानी कि दो जुमरातों को छोड़ आगे वाली जो जुमरात होगी यानी हर दो जुमरातों के बाद जी सही है। तो कौन कौन से मरीज जो है यहाँ पे चेक किया, ये सिर्फ ऑपरेशन से नहीं होने वो मरीज चेकअप हो रहे हैं उनके लिए जैसा आप खाना परमंद कहना है ताकि जिनको मामूली उनके एनएस वगैरह डॉक्टर के लिए मेडिसिन जो है मेडिसिन की क्या पोजीशन है कि आप फ्री दे रहे हैं या मेडिसिन लिख के देते हैं कि जाके पास आके ले जो बुनियादी मेडिसिन की जरूरत होती है ग्लास वगैरह या तो ट्यूब वगैरह ऐसी जो आँख पे जलन वगैरह हो खाद वगैरह हो उसकी यहाँ से फ्री मेडिसिन की अगर इसकी ज़्यादा जरूरत हो किसी को और जरूरत हो तो उसको लिख के दे रहे हैं। तो कोई आइंदा आने वाले वक्तों में कोई इस तरह का प्रोग्राम आपका है
کہ فلی جتنی بھی میڈیسن ہے وہ ان کو فری دی جائے گی؟ ہاں ان شاء اللہ، جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ادارے کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔